खैरियत से है। आज थर्सडे है और अभी टाइम 6:30 PM हो रहा है, शाम का टाइम है। और अभी थोड़ी देर पहले मैं काम से फ्री हुई हूँ और अभी मुझे डिनर भी बनाना है। अभी मैं आई हूँ किचन में डिनर बनाने के लिए। तो डिनर में ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी, सिंपल से आलू के पराठे बनाऊँगी और उसके साथ दही का रायता रखूँगी और चाय मैं बनाऊँगी। और आज जो है मैंने एक वीडियो भी बनाया है, जो कि आपने ये वीडियो आने तक वो वीडियो शायद आपने देख लिया होगा, जो कि मैंने अपना किचन टूर करवाया है। अभी चलते हैं किचन के काउंटर की तरफ, जो कि मैंने अभी आटा गूंद के रखा हुआ है। थोड़ी सी प्रिपरेशन मैंने कर ली है, जो कि मैंने यहाँ पर आटा मैंने गूंद के रखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने आलू भी बॉईल करके मैश करके रखे हुए हैं। यहाँ पर अनियंस, गार्लिक एंड जिंजर है, जो कि मैं अभी इसको चॉप करूँगी। और बस जल्दी से हम बनाते हैं आलू के पराठे। यहाँ पर मैंने आलू को मैश करके रखा है, तो अभी मैं ये चॉपर ले लूँगी अपना। और यहाँ पर मैं ये चॉपर में थोड़े से अनियन, जिंजर एंड गार्लिक के साथ मैं इसको फाइनली चॉप करूँगी। मैंने यहाँ पर 1 बिग साइज का अनियन लिया है, 4 to 5 गार्लिक लिया है, 1 पीस ऑफ जिंजर लिया है। अभी मैं इसको फाइनली चॉप कर लूंगी। वन वीक बिफोर मैंने ये इलेक्ट्रिक चॉपर खरीदा हुआ है। और ये मैंने फाइनली इसको चॉप कर लिया है। मैंने इसमें ग्रीन चिलीज नहीं डाला है, क्योंकि घर में छोटे बच्चे हैं तो मैंने ग्रीन चिलीज नहीं डाला है। अगर आप चाहें तो आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर जो है सिर्फ रेड चिल्ली पाउडर का मैं यूज़ करूँगी, जो कि कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर है। अभी मैं इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी, जो कि कोरिएंडर पाउडर हो गया, क्यूमिन पाउडर, थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर एंड थोड़ा सा कस्तूरी मेथी, जो कि मैं हाथों से क्रश कर कर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। टर्मरिक पाउडर ऐड करूँगी। सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही आप ऐड करें। कोरिएंडर लीव्स ऐड करूँगी थोड़े से। अनियन, जिंजर एंड गार्लिक है, जो कि मैंने फाइनली इसको चॉप करके रखा था, इसको मैं ऐड करूंगी। थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ऐड करूंगी और बस इसको हमें अच्छी तरीके से अभी मिक्स करना है। मेरे जो हैंड से वॉश एंड क्लीन है, तो मैं इसको हाथ से ही जो है मिक्स करूंगी। स्टफिंग तैयार है। अगर आपको सॉल्ट इसमें कम लगे तो आप इसमें अभी सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। इसमें भी सॉल्ट एकदम परफेक्ट है। तो बस अभी मैं इसको साइड कर लूंगी। आटे को मैंने गूंथ के 1 घंटा पहले ही रख दिया था। इसमें मैंने थोड़े से कैरम सीड्स एंड क्यूमिन सीड्स ऐड किए हैं। और बस अभी मैं इसके बनाऊंगी पराठे, जो कि बहुत ही डिलीशियस बनते हैं। और अक्सर ये जो पराठे हैं आलू के, ब्रेकफास्ट या लंच में लेते हैं, लेकिन हम आज डिनर में लेंगे।
पराठे के साथ तो दही का रायता बहुत ही बढ़िया लगता है, तो मैंने थोड़ी सी दही ली थी, उसको अच्छी तरीके से फेंट लिया है और उसमें रोस्टेड क्यूमिन पाउडर, ब्लैक सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर मैंने ऐड किया है। बस इसमें अब थोड़ा सा मैं कुकिंग क्रीम ऐड कर दूँ और इसको अच्छी तरीके से मैं कर दूँगी मिक्स। मिक्स करने के बाद मैं इसमें अनियंस एंड कोरिएंडर लीव्स ऐड करूँगी। अगर आप चाहें तो ग्रीन चिलीज भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मैंने ग्रीन चिलीज ऐड नहीं किया है तो मैंने इसलिए ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया है। कुकिंग क्रीम यहाँ पर ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास कुकिंग क्रीम नहीं है तो आप मलाई भी ऐड कर सकते हैं। ये ऐड करने से थोड़ा सा टेस्ट में थोड़ा सा फ़र्क आता है और बहुत ही डिलीशियस लगता है। क्रीम ऐड करने से आपका जो रायता है काफ़ी रिच हो जाता है। डिनर मेरा बनकर के तैयार है एंड सीरियसली गाइस, मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा ये पराठे बनाने के लिए। जब मैं किचन में ज़्यादा टाइम जब मैं खड़ी रहती हूँ एंड सब कुछ प्रिपेयर करती हूँ तो सही में वो मुझे बहुत ही इरिटेटिंग करता है। कुकिंग करना मुझे अक्सर बहुत पसंद है लेकिन लेस टाइम में कुक करना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। और बस अभी हस्बैंड आते ही होंगे तो मैं जो है जल्दी से मेरा जो क्लीनिंग का काम है वो मैं फिनिश कर रही हूँ, क्योंकि एक तो ओपन किचन है, ऐसे अगर मैं रख दूँ तो वो अच्छा नहीं लगता है। आज तो हमारा बाहर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, क्योंकि एक तो जब बाहर जाते हैं तो पता ही नहीं चलता कि टाइम कैसे इतना जल्दी ढल जाता है। वैसे एवरी थर्सडे हम हैदराबादी चाय पीने के लिए तो जाते हैं, लेकिन मैंने जो है पराठे के साथ जो है चाय बनानी है। मैं आज घर पे ही अपनी चाय को मैं करूँगी एंजॉय। और बस अभी मेरा काम जो है फिनिश होने वाला है, उसके बाद मैं बच्चों को डिनर करवाऊँगी। अगर आपने मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं किया है तो गाइस आप मुझे फॉलो कर ले। मेरी जो आईडी है इंडियन मॉम इन गल्फ है, जो मेरा चैनल का नाम है वही मेरी आईडी है। अभी जो मेरा क्लीनिंग का पार्ट था वो फिनिश हो चुका है। अभी मेरा जो ये सिंक है एकदम से चमचम कर रहा है और यहीं पे मैं वीडियो को स्टॉप करती हूँ, नहीं तो क्या होता है वीडियो जो है काफ़ी लेंथी हो जाती है। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ और अपना खूब सारा ख्याल रखना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।